हे द लुवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज क्या है। जी हाँ, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके प्रति, आपके लिए क्या चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोग अभी कांटेक्ट में हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा हो, रीसेंट ब्रेकअप हुआ हो, रीसेंट लड़ाई हुई हो, यू नो, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। मैं आपको रीडिंग्स के थ्रू ये बताऊंगी कि आज उनकी एनर्जीज कैसी आ रही हैं, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो आपके प्रति, क्या उनके थॉट्स बदले हैं या अभी भी वो उसी नेगेटिव पिक्चर में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उनके लेट नाइट थॉट्स भी हम चेक करेंगे, ठीक है? तो रीडिंग्स थोड़ी डिटेल हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, पूरी रीडिंग्स को ज़रूर देखें, क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि जो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, आप ये क्लेम करें कि ये सेम चीज़ आपके साथ हो। एनर्जीज एक्सचेंज के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ आप सभी को, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर एंड 24 दिसंबर। जी हाँ, आई रिपीट, 21st, 22nd, 23rd एंड 24th। मैं आप लोग के लिए 2024 प्रेडिक्शन पोस्ट करने वाली हूँ, और जो प्रेडिक्शन डेट वाइज होने वाला है, लाइक जो 21st को मैं पोस्ट करूँगी, राइट, वो होने वाला है डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, जिनका बर्थडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख को आता है, उनके लिए पोस्ट होगा। सेम गोज विथ 22 दिसंबर को 11 से 20th वाले लोगों के लिए, 23rd को 21st से लेकर 31st जिनका बर्थडे पड़ता है उन लोगों के लिए, 24th को कैंडल वैक्स रीडिंग पोस्ट करूंगी डिटेल में, और देखेंगे कि क्या कुछ इंडिकेशंस यूनिवर्स हमें देने वाले हैं। ये सारे वीडियोस रात को 8 बजे पोस्ट करे जाएंगे और आपको अपडेट मिल जाएगा। बस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, नीचे जो आपको एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करें, बेल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग्स क्या है। जी हाँ, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या डिज़ायर कर रहे हैं आज आपके पार्टनर, आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज डिवाइन गाइड करिए। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। 8 of Pentacles, द हर्मिट, 9 of Cups, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, 6 of Wands, Ace of Cups, wow, that's beautiful, and last we have 7 of Swords. ठीक है, bottom deck देख लेते हैं, we have 2 of Swords, okay. I hope आप लोग को सारे cards clearly दिखाई दे रहे होंगे, visible होंगे। बढ़ते हैं readings की तरफ और देखते हैं कि क्या एक special message आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी पिछला कुछ वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप का ऐसा रहा है जहाँ पर इन्होंने, पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है, आपको बहुत रुकवाया है, आपको बोला है कि वेट करो मेरा, आप रुको, ऐसे सिचुएशंस बने होंगे। यहाँ पर एक ऐसी पिक्चर दिख रही है कि आप बस वेट करते रहे, आप बस यू नो इंतज़ार करते रहे कि उनका कब नेक्स्ट एक्शन आएगा, वो कब सामने से इंडिकेशन देंगे, सामने से कॉल करेंगे, सामने से मैसेज करेंगे। बहुत सारे लोग एक ऐसे पिक्चर में रहे हुए हैं, क्योंकि आपका पर्सन ना कहीं थोड़ा बहुत आपको लेकर कंफ्यूज तो रहे हैं पास्ट में। जी हाँ, पिछले कुछ समय कंफ्यूजन इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रही है, और जिसकी वजह से इन्होंने आपको वेट बहुत कराया है, इंतज़ार बहुत कराया है। आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, बेटर फेज में ले जाने के लिए सैक्रिफाइस भी बहुत करा है। आपने सोचा कि यू नो अब ये समझेंगे, अब ये अंडरस्टैंड करेंगे, पर कुछ सिचुएशंस में इन्होंने थोड़ा नेगेटिव बिहेव करा आपके साथ, बहुत ज़्यादा,
मतलब आप बस इंतज़ार करते रह गए, और जो एक पिक्चर आपको देनी चाहिए रिलेशनशिप के प्रति, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिली नहीं, उसमें बदलाव आपको दिखे नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिख रही है कि डीप डाउन आपकी भी विश है इस रिलेशन में रहने की, डीप डाउन उनकी भी विश है इस रिलेशनशिप में रहने की। पिछला कुछ समय ऐसा गया है जहाँ पर ये पर्सन चाहते थे कि मुझे अपने में रहना है, मुझे बात नहीं करना, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं है, जस्ट वॉन्ट टू बी यू नो थ्रू माई सेल्फ, मुझे बस अपने में ही रहना है, मुझे नहीं कोई इंडिकेशन देना। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, जैसे ही ये चीज़ें आगे आती गईं, रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ते गए, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है। क्योंकि पिछला कुछ समय ऐसा रहा है जहाँ पर ये चाहते थे कि थोड़ा मुझे अपने सेल्फ में रहने दो, मुझे अपने आप पर काम करने दो, मुझे अपने आप पर ध्यान देने दो, मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे किसी से कम्युनिकेट नहीं करना, और अब एक ऐसी पिक्चर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, राइट? मुझे लगता है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इमोशनली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग द पास्ट टाइम, द पास्ट जोन। वो पिक्चर मुझे कार्ड्स में थोड़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रही है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कार्ड्स में ये भी दिखाई दे रही है, गलत करने की भी बहुत कोशिश करी। गलत किस वे में करने की कोशिश करी? क्योंकि ये खुद ही कन्फ्यूज रहे, ये खुद ही डिसीजन नहीं बना पाए आपके प्रति कि मैं कैसे चीज़ों को डील करूँ, कैसे बात करूँ, कैसे यू नो इनिशिएटिव करूँ, कैसे एफर्ट्स लगाऊँ। वहाँ पर ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखे। लेकिन जहाँ पर आपके रिलेशनशिप की एंड पिक्चर देखी जाए, या फ्यूचर पिक्चर देखा जाए, या फ्यूचर रिलेशनशिप देखा जाए, मुझे लगता है कि नाउ दे आर गोइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एंड मैसिव डिसीजन, जहाँ पर आप दोनों ही मिलकर आगे बढ़ोगे, या आप दोनों ही मिलकर इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि ये भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी यहाँ रुकना चाहते हैं, ये भी आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनके एनर्जीज आपको लेकर अभी भी ऐसी है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, इस रिलेशनशिप को फ्यूचर तक लेकर जाना है, मुझे सब चीज़ों को रिजॉल्व करना है, मुझे यहाँ पर यू नो स्टक नहीं रहना, मुझे चीज़ों को ठीक करना है, दोनों के बॉन्ड को, दोनों के रिलेशनशिप को यू नो हील करना है। तो मे बी पास्ट का कुछ समय वॉज नॉट फेवरेबल, वो बहुत डाउन रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, यू नो डिस्टेंस बड़ा होगा, सेपरेशन हुआ होगा, बट अब जो आने वाला टाइम दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि आपके साथ कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। थोड़ा अगर ये समय ले भी रहे हैं तो मैं बोलूँगी लेने दो इनको, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए यू नो चेज मत करो। क्योंकि इंसान के डीप थॉट्स, उनकी क्लियर एनर्जीज बता ही रही है कि दे वॉन्ट टू बी विद यू। भले थोड़े समय का वेट कराया, ज़्यादा वेट कराया, हम हर्ट हुए, हम परेशान हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे दे वॉन्ट टू बी विथ यू। एक ऐसा समय दिख रहा है कि नाउ चीज़ें एक अच्छे डिसीजन पर जाएंगी, अच्छा चेंज आएगा, जहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं उनके कुछ थॉट्स के प्रति, उनके कुछ लेट नाइट थॉट्स। कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके प्रति, कल रात उनकी फीलिंग्स क्या रही हैं आपके लिए, लेट नाइट थॉट्स चेक करते हैं। आपके पार्टनर कल रात आपके प्रति क्या सोच रहे थे? डिवाइन गाइड करें। कुछ चीजों में पता है इन्होंने आपके साथ गलत करा भी है, राइट? हर्ट बहुत करा है, बट आप एक ऐसे ह्यूमन हो कि मैं वेट करूँगा, या मैं वेट करूँगी, या मैं समय दूंगा। मतलब यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, जिसकी वजह से यू नो आपको लगता है कि सब बदलेगा। लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें कभी बदलेंगी, क्या ये जितने भी हम लोग के बीच में पास्ट की चीज़ें हुई हैं, या हम दोनों के वजह से रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, हम दोनों की फाइटिंग्स की वजह से रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, क्या वो चीज़ें कभी ठीक होंगी? क्योंकि हर्ट तो देखो बहुत हैं, तभी इन्होंने यू नो इतना डिस्टेंस बनाया, सेपरेट हुए, दूर हुए, यू नो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इनके डीप, इनके लेट नाइट थॉट्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं
इनको अभी भी डाउट है कि क्या अभी भी अपने बीच में वो अफेक्शन है, क्या अभी भी अपने बीच में वो प्यार है, वो इंडिकेशन ये फील कर रहे हैं कि क्या अभी भी हम दोनों के बीच में वो प्यार है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटिमेसी शेयर करते हो, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हो, लेकिन हर्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। और डीप डाउन इनकी यही विश है, डीप डाउन इनकी ये चाह है कि यू नो अब आप मुझे समझो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, आप अगर मुझे पहले भी अंडरस्टैंड कर पाते तो इतना डिस्टेंस हम दूरी के बीच में आता ही नहीं, इतना यू नो नेगेटिव सिचुएशन बनता ही नहीं।